आदेश माँ भगवती को लख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को लख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। कल से इस साल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल शुरू हो रहा है, गुप्त नवरात्रि का। साल के दो गुप्त नवरात्रियों में इस गुप्त नवरात्रि का बहुत महत्व है, क्योंकि इस गुप्त नवरात्रि में चंडी स्वरूपा में भगवती की पूजा होती है। चंडी स्वरूपा का मतलब वो जिसने असुरों के सामने रणभेरी की थी। जो मूल मंत्र हम लोग भगवती का जापते हैं, एंग रिंकलिंग चामुंडाए विच, उसमें भी चामुंडा का जाप होता है, स्वरूप हम लोग दुर्गा का पूजते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में हमारा नव चंडी का साधना करेंगे। नव चंडी का साधना कौन कर सकता है? जो साधक है, जिसके पास गुरु मंत्र है, ये पहला कंडीशन है नव चंडी का साधना करने में। दूसरा, जिसके पास पर्याप्त समय हो, क्योंकि मंत्र छोटा लेकिन हजार की संख्या में जाप करने वाला है। नवचंडी की साधना से क्या होता है? एक तो आप उस गिनती में आ जाते हैं कि आप भगवती के साधक हैं, पहला। दूसरा, आपको भगवती का आभास होता है। जब आप इस साधना को करेंगे, नौ दिन में भगवती अपने होने का आपको आभास देगी। आपको इस साधना को करने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपके घर में या किसी ऐसे स्थान पर जहां आपको 9 दिन आपकी साधना स्थली को कोई ना छुए। आप हर रात्रि में कल से इस साधना को करेंगे, दिन भर जो है वो स्थान बंद रहेगा और उस स्थान पर आपके अलावा किसी का प्रवेश ना हो, पहला ये, ठीक है। दूसरा, आपको 9 नारियल चाहिए, जटा वाला, जिसमें जटा हो, मतलब नारियल छील के जिसमें जटा रह जाता है, पानी वाला वो नारियल चाहिए। उसको ढकने के लिए लाल कपड़ा चाहिए, जिसको सालुक का कपड़ा बोलते हैं। जब नारियल और सालुक के कपड़े से वो ढक के तैयार हो जाए तो वो 9 जल भरा हुआ कलश में रखाएगा। तो 9 तांबे का कलश आपको चाहिए। इन सारे कलशों के सामने एक एक घी का दीपक रहेगा, तो 9 दीपक जो है इसमें आपको व्यवस्थित रखना है रोज घी का। धूप एक ही जगह जलेगा, ठीक है, भगवती के बाएं तरफ, मतलब आपके दाहिनी तरफ जो कलश है उसके बाएं तरफ जो है धूप जलेगा। जो प्रसाद नित्य चढ़ेगा उसके लिए हर रोज 9 पान, 9 सुपारी, 9 लौंग और 9 फल होने चाहिए। फल जो है वो लाल रहे तो ज्यादा उत्तम है, भगवती को लाल जो है बहुत पसंद होता है। तो ये जो है, जब आप कलश बैठा लिए लेंगे, उसके सामने जो है एक पंक्ति में फिर दीपक लगाएंगे 9, और उस दीपक के बाद में 9 पान के पत्ते रखेंगे और हर पत्ते पे एक सुपारी, एक लौंग, ठीक है, और एक फल रखेंगे। ये भगवती का भोग होगा, ठीक है। रोज पूजा करने में वो जो आपने जो 9 कलश लगाया है, कलश में रोज सिंदूर, रोली, रक्त चंदन का छींटा मारते हैं, ठीक है, श्वेत चंदन उसका भी छींटा मारते हैं, फूल माला, ठीक है, बेल का पत्ता उल्टा करके 3-3 हर कलश पर और एक एक बूंद इत्र, ये जो है इस कलश की सेवा है। क्रमबद्ध तरीके से चले तो क्या करना है? सबसे पहले जो है लोटे में जल भर लेंगे। उसको आप जब पूजा करेंगे तो आप जो है उत्तर की तरफ देखेंगे, ठीक है, तो उत्तर के दीवार से लगा करके ये 7 कलश हम रख लेंगे जल भर करके, और उसके ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ 9 नारियल रख लेंगे। ये जो है भगवती की स्थापना हो गई। इसके हर लोटे के सामने एक एक दीपक फिर हम जलाएंगे, ठीक है, और फिर नवेद लगाएंगे और साथ में धूप भी जो है वहां पर हम जला देंगे, ठीक है। ये पूजा का जो है आपका पूरा प्रक्रिया समाप्त हो गया। इसके बाद भगवती का जो है को जो दान करेंगे, वो तो क्या क्या करेंगे, तो एक आम का पत्ता तोड़ लेंगे, ठीक है,
और सिंदूर उसमें लेकर के सारे 9 कलश पर आप डालेंगे, ठीक है। रक्त चंदन जो है आप अपने रिंग फिंगर से इससे जो है छींटा मारेंगे हर नारियल पर, और श्वेत चंदन का भी ऐसे ही करेंगे। उसके बाद सब पर पुष्प चढ़ाएंगे, फिर सब पर अगर माला है तो सब पर माला चढ़ाएंगे। 9 दिन अगर 9 कलश पर माला आप छोटे छोटे चढ़ा दें तो बहुत उत्तम रहेगा। उसके बाद सब पर 3-3 बेलपत्र चढ़ाएंगे और अंतिम में सब पर एक एक बूंद इत्र देंगे। गुलाब का इत्र जो है वो सर्वोत्तम होगा, ठीक है। और अगर किसी ऐसे दुकान से आप इत्र लेते हैं जहाँ पर बनाने वाला और बेचने वाला दोनों सनातनी हो तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो इतना कर लिया। उसके बाद स्फटिक की माला ले लेनी है। रुद्राक्ष में इसका जाप नहीं होगा क्योंकि रात्रि काल का जाप है और 1,000 की संख्या में जाप करेंगे। बहुत बार आप लोगों में से ये प्रश्न आता है कि अगर 1,000 की संख्या का जाप करना है और 1,008 मतलब 108 का माला होता है तो जैसे 10 माला करेंगे हम तो वो तो 1,080 हो जाएगा। तो हर माले में जो 100 जाप होता है वो आपका होता है, जो बाकी का 8 जाप आप करते हैं वो आपके गुरु का और आपके ईष्ट के भाग्य में चला जाता है। तो जब 1,000 संख्या हमने बोला इसका मतलब है कि आपको 10 माला जाप करना है। मंत्र क्या है? बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, 10 बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा और याद करके ही साधना करने बैठेंगे। सत नमो आदेश गुरु जी को, ओम गुरु जी, ओम चंडी, नव चंडी, नव खंडी, प्रेत सवारी, दैत्य मुंडधारी, आओ माँ वासो, दो भक्तों को भेंट, धन विद्या रिद्धि सिद्धि संग, ओम ह्रिंग 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 हुम फट। ठीक है, जब हम इसका हवन करेंगे तो फिर हुमपट सुहा लगाएंगे। सत नमो आदेश गुरु जी को, ओम गुरु जी, ओम चंडी, नव खंडी, प्रेत सवारी, दैत्य मुंडधारी, आओ माँ वसो, दो भक्तों को भेंट, धन विद्या रिद्धि सिद्धि संग, ओम ह्रिंग 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 फट स्वाहा। स्वाहा जब हवन करेंगे, जब हवन नहीं करे तो फट तक लगा के छोड़ देंगे। देखिए ये मंत्र हमें कब मिला था, एक बार हम कहीं हवन कर रहे थे मतलब, और वहीं पर एक कोई बहुत ही वृद्ध अघोरी बैठे हुए थे, तो उन्होंने हमको देखा तो हमें थोड़ा सा भाव आया कि भाई बहुत पुराने आध्यात्मिक व्यक्ति दिख रहे हैं। तो उनको जाके हमने कारण दिया, उन्होंने बोला कुछ पैसे है क्या, तो हमने अपने जेब से जो भी धन था उनको दे दिया। तो उन्होंने बड़ा प्रसन्न होकर के ये मंत्र हमें दिया था कि आप इसको करो, आपका जेब जैसे आज खाली हुआ फिर खाली नहीं होगा। मंत्र एक बार फिर सुनिए। सत नमो आदेश गुरु जी को, ओम गुरु जी, ओम चंडी, नव खंडी, प्रेत सवारी, दैत्य मुंडधारी, आओ माँ वसो, दो भक्तों को भेंट, धन विद्या रिद्धि सिद्धि संग, ओम ह्रिंग 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 फट, और स्वाहा जब हम हवन करेंगे। जब 9 दिन बीत जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हम आम की लकड़ी लेंगे, लौंग लेंगे, तिल लेंगे, गूगल लेंगे, सबको बराबर मात्रा में मिलाएंगे, थोड़ा सा उसमें चमेली का तेल देंगे और 108 बार जो है इसका हम लोग हवन करेंगे। 108 बार हवन करने से जो है ये पूरी साधना जो है पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद किसी भगवती मंदिर में जा करके एक चुनरी और जो पूजन सामग्री होता है और जो माँ के श्रृंगार का सामग्री होता है जैसे चूड़ी, टिकली, अलता, ये सब जो है हम भगवती के मंदिर पे रखाएंगे, और किसी ब्राह्मण को या किसी पुजारी को, किसी साधक को कुछ भेंट दे देंगे, किसी गरीब को है ना कुछ भेंट दे देंगे, कुछ द्रव्य दे देंगे दान के रूप में, तो ये साधना पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हर रोज 21 की संख्या में इसका जाप करते रहिएगा। भगवती आप पर हमेशा प्रसन्न है। माँ भगवती दुर्गा और रांची वाले भैरव बाबा आप सभी पर अनंत कृपा बरसाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजं व्यालय यज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं।